निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए या दीजिए, ठीक है? लिखिए, ये मेरा क्वेश्चन है और जिसमें हमें ये निम्न चार समीकरण दिए गए हैं, ये हमारे शब्द समीकरण हैं, इनको हमें रासायनिक समीकरण में लिखना है, ठीक है? तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। ओके, देखिए, पहला हमारा दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इन्होंने ये बोला है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तो देखिए क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो देखिए इन्हें हम कैसा रासायनिक समीकरण में लिखेंगे, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? प्लस अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अब यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 एरो, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। आगे फिर जल बोला ना, तो जल का क्या होगा, H2O होता है जल का, तो H2O। देखिए अब इसे हम एक बार, उन्होंने बोला था कि संतुलित, तो देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। यहाँ देखिए CA कितने हैं, एक है, इस साइड देखो CA एक है उत्पाद की तरफ, ये दो हमारे अभिकारक हैं, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है? यहाँ देखिए अब उसके बाद बारी आती है OH, तो यहाँ OH का होल ट्वाइज है ना, तो H भी दो है और O भी दो है, ठीक है? तो देखिए और दो O ये है, तो दो और दो कितने हो गए, चार हो गए, चार हो गए ना हमारे, तो देखिए तीन O ये है और एक O ये है, उत्पाद की तरफ हमारे चार O हैं और H दो है, H यहाँ दो है, यहाँ कार्बन C एक है, यहाँ C एक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ये पहले ही से हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है? आगे देखिए सेकंड वाला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब क्रिया करते हैं तो एक जिंक नाइट्रेट बनता है और प्लस सिल्वर, ठीक है? तो देखिए जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, ZN, ठीक है? तो यहां हो गया जिंक का ZN प्लस, अब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का Ag और नाइट्रेट NO3, ठीक है? तो यहाँ इन्होंने बोला कि एक बनेगा जिंक नाइट्रेट, यही तो बोला, ठीक है? क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, ZnO3, ZnNO3, क्या बोल रहे तुम लोग, यहाँ बनेगा ZnO3, ठीक है, का होल ट्वाइज प्लस और Ag, ठीक है? उन्होंने क्या बोला था, ये बोला था, इधर देखो, ये बोला था कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, मेरा जिंक हो गया, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, हो गया ना? फिर एरो इन्होंने बोला था कि जिंक नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर, यही तो बोला था, जिंक नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर बनेगा, तो यहाँ मेरा जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 का होल ट्वाइज, ठीक है, प्लस Ag हो गया। अब ये मेरी देखो, उन्होंने बोला था कि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण चाहिए, अब ये हमें ये चेक करना है ये संतुलित है या नहीं है, ठीक है? तो देखिए हम चेक करते हैं, ZN एक है, इधर भी ZN एक है, उसके बाद Ag एक है, इधर भी Ag एक है, यहाँ देखिए NO3 यहाँ एक है, NO3 यहाँ एक है ना नाइट्रेट, और यहाँ देखिए NO3 का होल ट्वाइज, यानी दो हो गए ना, तो ये अनबैलेंस है, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करें, अगर यहाँ दो का गुणा कर दें Ag के आगे, तो देखिए NO3 दो हो गए लेकिन Ag भी दो हो गए, तो इसके लिए अगर हम यहाँ दो का गुणा कर दें, अब बैलेंस हो गई, हो गई बैलेंस, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है, कर लो जल्दी से, हो गई। चलिए थर्ड वाला देखिए, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, यही तो है, एल्यूमिनियम का क्या होता, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल प्रतीक बोलिए, हाँ, प्लस कॉपर क्लोराइड,
सी यू सी एल, ये ए एल एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है ना, ए एल सिंबल। इन्होंने बोला एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, हमारा हो गया एल्यूमिनियम हो गया कॉपर क्लोराइड हो गया, तो क्या बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यही तो बोला इन्होंने। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी ए एल सी एल टू प्लस कॉपर सी यू, यही होगा। एल्यूमिनियम का होता है ए एल और सी एल थ्री, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है, ए एल सी एल थ्री। तो अब ये देखिए अनबैलेंस है, यहाँ कितने हैं ए एल, दो हैं, दो है ना, है दो, और यहाँ तीन है, तीन है ना। तो हम बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ हम तीन का गुणा कर दें तो छः हो गए, अब यहाँ हम दो का गुणा कर दें तो हो गए छः। लेकिन अब यहाँ मेरा ए एल भी तो कितने दो हो गए, तो इसलिए इधर अभिकारक की तरफ ए एल में दो का गुणा कर दें हम, ठीक है। तो अब मेरा क्या सब बैलेंस हो गया, ओनली सी यू बैलेंस नहीं हुआ, तो यहाँ हम कितने तीन का गुणा कर दें, सी यू भी बैलेंस हो गया, अब सही है, देखिए सब बैलेंस हो गया अब, ठीक। इसी प्रकार चौथी देखिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का वी ए सी एल टू, ठीक है, प्लस इन्होंने देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड है प्लस वो पोटेशियम सल्फेट है ना, एक मेरा बेरियम क्लोराइड है और एक पोटेशियम सल्फेट है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। एरो, तो क्या बनता है, एक बनता है बेरियम सल्फेट और एक बनता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए भाई एक ये बन जाएगा सीधा, यहां से ये कट गया भाई के टू सी एल टू, उन्होंने सीधा बोला है क्या बनेगा, कहां गया ये रहा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा ना, तो पोटेशियम क्लोराइड के सी एल, अब इसे हम ऐसा नहीं लिखेंगे के टू सी एल टू, नहीं लिख सकते, ये मेरा गलत हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, दोनों दो हैं, के भी दो है और क्लोराइड भी दो है ना, क्लोराइड भी, तो सीधा आगे दो का गुणा कर दो के सी एल लिख दो, देखो K भी दो हो गए Cl भी दो हो गए, इसमें K दो है Cl दो है, हो गया। उसके बाद जो बचा है वो लिख दो, क्या बचा BaSO4 बचा प्लस BaSO4, देखिए हो गई। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, ये बताइए इधर देखो, हो गई कोई डाउट इसमें अभी आप लोगों को, नो डाउट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया समाप्त, ठीक है, ओके। देखिए ये अब मेरा समाप्त हो गया, इसमें अभी तक कोई डाउट हो आप लोगों को तो हमसे पूछ सकते हो, देख लो एक बार। के सी एल है, यहाँ टू में नहीं लगाना, ऐसा होगा।